hotel and last guest satisfaction. ये कुछ काम है जो फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करता है. क्या क्या करता है? खाना बनाता है. प्रिपेयर फूड मतलब खाना बनाना, ठीक है, खाना बनाना. दूसरा मेंटेन हाइजीन, मतलब जहां पे खाना बन रहा है वहां पे हाइजीन बना के रखनी, मतलब साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है, ठीक है. ये जो साफ सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है, ये क्यों दिया जा रहा है? हाँ, खाना खाने से कोई भी गेस्ट या एम्प्लॉई बीमार ना, ठीक है. हम लोग होटल्स में ना, आप मानोगे, होटल्स जो होते हैं वो ना बड़े बड़े भी होते हैं, छोटे छोटे भी होते हैं. जैसे होते हैं 1 star category, 2 star, 3 star, है ना, 4 star एंड 5 star, है ना. यहाँ पे अगर आप जाओगे तो खाना बहुत महंगा होता है ना. जैसे मतलब मान के चलते हैं कि एक रोटी जो रहेगी वहां पे 300 रुपए की रहेगी. एक रोटी क्यों रहेगी वहां पे 300 रुपए की? क्या उसमें कुछ स्पेशल डाला होता है? नहीं, स्पेशल कुछ नहीं डाला होता. जो मेन फोकस रहता है वहां पे साफ सफाई का होता है. आपको गेस्ट को एक साफ सफाई, साफ सुथरे एनवायरमेंट में सही इंग्रेडिएंट्स के साथ अच्छा खाना दिया जाता है. उस चीज के पैसे ज्यादा लिए जाते हैं, ठीक है. तो हाइजीन एक बहुत बड़ा कंसर्न है होटल इंडस्ट्री में, फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है. तो आपने देखे शेफ जो होते हैं, शेफ पता है क्या होते हैं? कौन बताएगा लड़कों में से कि शेफ कौन होते हैं? शेफ फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के वो पर्सनल्स होते हैं, वो बंदे होते हैं जो खाना बनाते हैं, तैयार करते हैं, ठीक है. आप देखो उन्होंने कैप डाली होती है, व्हाइट कलर का उनका शेफ कोट होता है ना, अलग सा, इस तरह भी बटन होते हैं, इस तरह भी बटन होते हैं, है ना. फिर एप्रन डाला होता है उन्होंने, और कई बार आपने देखो उन्होंने ग्लव्स डाल के काम करते हैं वो, है ना. ऐसा क्यों करते हैं वो? हाँ, खाने में बाहर का कुछ, कोई भी बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह अंदर ना आ पाए, ठीक है. आप मानोगे होटल्स में एक दिन में किचन की सफाई 5 बार होती है. कितनी बार? 5 बार होती है. जो अलग से एक डिपार्टमेंट होता है उसको बोलते हैं KST डिपार्टमेंट, जिसका मतलब होता है किचन स्टूवर्डिंग टीम. किचन स्टूवर्डिंग टीम ये क्या करती है? एक दिन में 5 बार किचन को साफ करती है. और ऐसे नहीं सिर्फ कि पोछा मारे झाड़ू मारे, पोछा मारेंगे झाड़ू मारेंगे, लेकिन किसके साथ? केमिकल्स के साथ, ताकि कोई भी गंदगी बीच नीचे ना रह पाए, ठीक है जी. फिर उसका काम क्या होता है? अट्रैक्ट गेस्ट विद फूड. जब आपने देखो ना, अच्छी अच्छी फोटोज देखी होंगी आपने खाने की, देखने में बड़ा अट्रैक्टिव सा लगता है ना. जब गेस्ट को अट्रैक्टिव खाना सर्व किया जाता है तो गेस्ट और अट्रैक्ट होता है. वाओ यार, यहाँ पे खाना बड़ा अच्छा होता है ना, देखने में भी और खाने में भी. उससे क्या होता है? गेस्ट अट्रैक्ट होता है और आपकी इनकम जो है ज्यादा होती है, राइट. उसके और का क्या काम होता है? एडवर्टाइजमेंट ऑफ होटल. मतलब देखो आप लोग यहाँ पे आप सब गगल नियर बाई हो ना? Yes, sir. यहाँ पे सबसे आप मोस्टली बाहर खाते हो कुछ नूडल वगैरह कुछ? Yes, कहाँ खाते हो? कहाँ खाते हो? गगल में कोई जगह का नाम है, उस दुकान का नाम है कोई, या किसी उस पर्सन, या जैसे यहाँ पे कुलचे वाला भी है ना गगल में, वो बड़ा फेमस है ना. वो कैसे फेमस हुआ? जैसे मैं गया वहाँ पे खाना खाने, मुझे वो रेट भी अच्छे लगे, टेस्ट भी अच्छा लगा, है ना. तो फिर मैंने क्या बोला अपने फ्रेंड्स को या रिश्तेदारों को कि वहां जाना, वहां पे आपको कुलचे और छोले बहुत अच्छे मिलेंगे, ठीक है. फिर उससे क्या हुआ, मेरे फ्रेंड्स वहां पे गए और फिर उन्होंने भी आगे किसी न किसी को पब्लिसिटी कर दी. उससे क्या होता है, अगर आप अच्छा खाना दे रहे हैं, अट्रैक्टिव खाना दे रहे हैं, उससे क्या होगा, होटल की या उस एरिया की या उस आउटलेट की आप फ्री में एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, है ना. उससे पब्लिसिटी हो रही है. एक गेस्ट खा के जाएगा, 4 को बताएगा, 4 जो है वो 16 को बताएगा, 16 32 को बताएगा, ऐसे ऐसे करके आपके फेमस चेन बन जाते हैं, गुडविल बन जाते हैं, आप फेमस हो जाते हैं, ठीक है. तो क्या है, फ्री की एडवर्टीजमेंट, ठीक है. और लास्ट में आते हैं आपका गेस्ट सेटिस्फेक्शन. सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है होटल इंडस्ट्री में गेस्ट की सेटिस्फेक्शन. गेस्ट को आपने संतुष्ट करके भेजना होता है, ठीक है. गेस्ट पैसा खर्च रहा है, गेस्ट आपके पास आया है, पैसा खर्च रहा है, तो आपने उसके जो उसने पैसा खर्चा उसके एवज में आपने उसको संतुष्टि देनी है. मान के चलते हैं, जैसे क्या, आप लोग जैसे मान के चलते हैं बस में जाते हैं, yes, sir. है ना.
बस में आप सबसे पहले जब बस में बैठने लगते हो तो सबसे पहले क्या देखते हो, सीट है या नहीं है ना? सबसे पहले देखना सीट खाली है या भरी है ना। क्यों देखते हो ऐसा? क्योंकि आपने उसको वहां पे पैसा देना होता है ना, बस में किराया देना होता है। और अगर वहां पे आपको सीट ही ना मिले तो किराया तो कम नहीं होगा है ना, किराया कम नहीं होगा ना। अगर वहां पे सीट मिल जाएगी तो आप बोलोगे हाँ, और विंडो सीट मिल जाएगी तो आप बोलोगे वाओ है ना। ऐसे ही होगा ना, विंडो सीट मिल जाए और कंफर्टेबल सीट हो तो आप बोलोगे वाओ भाई मजा आ गया सफर का। ऐसा ही होगा अगर आप 100 रुपए किराया दे रहे हैं और आपको अच्छी सीट मिल रही है, विंडो सीट मिल रही है, तो इसका मतलब कि आपका जो आप सेटिस्फाइड है। इफ यू आर अ गेस्ट देन यू आर सेटिस्फाइड विद दैट सर्विस, आप उस सर्विस से बिल्कुल सेटिस्फाइड। अगर वही 100 रुपए आप दे रहे हैं, बस में बहुत भीड़ भड़ाका है और उसकी खिड़कियां भी अच्छे से बंद नहीं हो रही है और ऊपर से बारिश आ रही है, तो आप सेटिस्फाई होंगे? आप उस पर्टिकुलर बस में दोबारा नहीं बैठेंगे, चाहे आप 5 मिनट और लेट होना मंजूर हो। ऐसे ही होगा ना। हाँ, तो इसे बोलते हैं गेस्ट सेटिस्फेक्शन। जो भी गेस्ट यहाँ पे आ रहा है, होटल में आ रहा है, खाना खा रहा है, उसको किचन डिपार्टमेंट वाले फुली सेटिस्फाइड करके ठीक है भेजते हैं, ताकि वो आगे फिर से फ्री की पब्लिसिटी कर पाए। ये तो आगे फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के काम ना।